काटने से पहले ना एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, मान लो मेरी राय इश्क से बेहतर है चाय। गाइस ये मैंने अभी खुद से नहीं बनाया, मैंने यहीं पे पढ़ा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा दिल से। क्या कहें, तंदूरी चाय कह सकते हैं भाई साहब, आग वाली चाय कह सकते हैं, फायर वाली चाय कह सकते हैं। आ चुके हैं जसमानक साहब, आ रखे हैं दलजीत साहब, आ रखे हैं अपना पंजाब के स्टार गुरदास मान साहब जी, हमारी दुकान में बहुत स्टार आए। तो यार गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिनेश डेली एड्स में फिर से एक बारी। तो दोस्तों आज आ गए थे मुरथल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं भाई, ये पूरा हाईवे है, ठीक है, हाईवे जो दिल्ली से पंजाब को जोड़ता है, कह सकते हैं अमृतसर को जोड़ता है। यहाँ की ना वाइब्स बहुत अलग होती है। तो हम रुके थे चाय पीने के लिए, और जब चाय पीने के लिए रुके तो हमारे को एक ऐसी जगह दिखी जो कि है मिस्टर चाय के नाम से। गाइस यहाँ पर मिलती है तंदूरी चाय, ठीक है। तो भाई एक बार चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई ये तंदूरी चाय का क्या फिलॉसफी है और क्या यहाँ पे टेस्ट है। है इस चीज़ में देखते हैं चाय, ये इनका इसमें डालने के बाद स्वाद अलग हो जाता है चाय का। चाय मतलब कैसी भी हो मगर इस चीज़ का जो मज़ा है ना वो कहीं भी नहीं है, ठीक है। सेटअप देख लो, सेटअप ना बहुत अल्टीमेट बना रखा है इन्होंने, पूरा ऑथेंटिक टाइप से सेटअप है। टायर की भाई यहाँ पे चेयर बना रखी है, ठीक है, और बैठने के लिए ना जो टेबल है वो बना रखा है चेतक पे, ठीक है। और कुछ हमारे जो फिल्मी सितारे हैं ना, जो बढ़िया बढ़िया फिल्मी सितारे हैं, उनके यहाँ पर पिक्स लगी हुई है। तो सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी बढ़िया है, और भाई चाय तो बढ़िया होएगी इनकी। तो चाय टेस्ट करेंगे और भाई आपको चाय बताएंगे चाय कैसी है यहाँ पे। यार गाइस आपने यहाँ पे सबसे पहले शायरी देखो, शायरी है ना मतलब ऐसी है जो टचिंग है बिल्कुल। ये देख रहे हो मेरे सामने, तीन ही शौक थे मेरे, एक चाय, एक शायरी और तुम। और जो मेरा फेवरेट है ना वो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, जो मेरा फेवरेट मेरे को यहाँ पे सबसे लगा वो है, नशा चाय का हो या कामयाबी का, मैं दोनों का ही आदी हूँ। तो गाइस ये कुछ ऐसी लाइनें लिखी गई हैं यहाँ पे, शायरी लिखी गई हैं, जो आप चाय पियेंगे ना, आप पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत मतलब एक तरह टचिंग फील आएगी पूरी की पूरी। भाई चाय जो है ना, चाय तो अपनी जगह है, चाय पीना है, बट जो ये फीलिंग है इन शेरों शायरी की, ये बहुत अल्टीमेट है। ये कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे इन लोगों का। तो यार गाइज ये लगने जा रही है हमारी तंदूरी चाय, तो भैया एक बार बना के दिखाएंगे तंदूरी चाय कैसे बनाते हैं हम। तो गाइज ये आप देख सकते हो भट्टी के अंदर ना ये कुल्हड़ पूरे पहले गरम किए जाते हैं। तो भैया पहले गरम करते हैं, पहले इसको हम पहले इसको गरम करते हैं सर। अच्छा पहले गरम करते हैं, तो भैया एक बार दिखाओ कैसे बनती है चाय हमारे को। हम बड़ी बेसब्री हो रही है भैया चाय की आपके लिए। तो गाइज ये सबसे पहले इसके अंदर जाता है, आप देख सकते हो। अरे भाई साहब ये है अल्टीमेट तंदूरी चाय यार, इसे कहते हैं गाइज तंदूरी चाय। आप देख रहे हो कैसे उबल रही है भाई साहब, मज़ा आ रहा है देखने से यार, इसको बहुत अल्टीमेट लग रही है गाइज यार। आग लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब भैया जो दिखाने वाले हैं हमारे को वो दिखाएंगे इस एक सेकंड की चाय मतलब तंदूरी चाय, चाय के अंदर आग लगाएंगे। अच्छा डाल के आग लगाएंगे इसमें। तो गाइज अब ना अब हमारी लगने अब हम दिखाएंगे फायर, ये गाइज आप देख सकते हो फायर। ओ भाई साहब इसमें लग गए पूरी फायर। तो इसके अंदर डाला क्या था अभी हमने? अच्छा गाइज इसमें हमने पहले गुड़ डाला है और ये फायर बन चुका है पूरा का पूरा। अब इसे क्या कहें भाई, या फायर वाली चाय कहें या तंदूरी चाय कहें, पर देख सकते हो यार आप क्या मज़ेदार लग रही है देखने से। अपने शॉप के ओनर से मिलवा देते हैं, ठीक है, उनका कुछ कैटरिंग का भी है। तो भैया बताएंगे क्या कैटरिंग का सिस्टम है अपने यहाँ पे? हम आउटडोर कैटरिंग्स में भी प्रोवाइड करते हैं अपनी तंदूरी चाय का कॉन्सेप्ट। तंदूरी चाय के साथ हम सेल्फी कॉफीज भी देते हैं आउटडोर कैटरिंग में। और हमारी इस बेसिकली दुकान के अंदर बहुत स्टार्स आ चुके हैं, जसमानक साहब आ रखे हैं, दलजीत साहब आ रखे हैं, अपना पंजाब के स्टार गुरदास मान साहब जी, हमारी दुकान में बहुत स्टार आए हुए हैं। बहुत मतलब ये कहें कि सेलिब्रिटी शॉप है पूरी की पूरी जी, आप लोगों की शॉप है नहीं शॉप तो हमारी, बट भैया सेलिब्रिटी भी बहुत आए हैं, जैसे भैया ने बताया गुरदास मान जी आए हुए हैं, जसमानक जी आए हुए हैं और दिलजीत जी आए हुए हैं। तो गाइस टेस्ट बढ़िया है यहाँ का, तो आप जब भी आप यहाँ पर आएंगे ना तो टेस्ट बढ़िया ही लगेगा आपको चाय का। और भैया एक चीज़ ना अभी मैं देख रहा था, ये इसका बताओ जो ये शायरी लिखी हुई है सारी की सारी, ये सारी की सारी शायरी हमारी नहीं है, ये सब शायरी आप लोगों की है। सब कस्टमर्स ने अपने अपने एक एक शायरी लिखी और हमने नोट करते करते एक साथ लगा दी। पर जो भी लिखा हुआ है ना गाइस आप देखोगे एक बारी अल्टीमेट लिखा हुआ है, एक एक शायरी में ना मतलब एक जज्बात है, एक फीलिंग है। आप देखो जैसे लिखा है यहाँ पे, नशा चाय का हो या कामयाबी का, मैं दोनों का ही आदी हूँ। तो यार पढ़ के भी इतना अच्छा लग रहा है। और नीचे इसके सबसे बढ़िया लिखा हुआ है, जिन्हें चाय से लगाव होता है ना उसके दिल में ज़रूर घाव होता है। तो भाई जो प्यार करने वाले बंदे हैं ना, मैं तो कहूँ वो भी आगे आ सकते हैं, वो अच्छी फीलिंग है। यूज़ करते हैं वैसे बेसिकली हम चाय में 16 मसाले यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर के हिसाब से हम मसाले डालते हैं। और मैं सारे मसालों के नाम तो नहीं बताऊँगा,
इस मसाले में हम ब्लैक कुछ चीज़ें ऐड भी रखनी चाहिए, ब्लैक लीव्स है, ग्रीन टी है इसके अंदर मिक्स, और काफ़ी आइटम्स है, रोज पेटल्स, काफ़ी चीज़ है, 16 मसाले इसमें। गाइस चाय पीने से पहले ना एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, मान लो मेरी राय इश्क से बेहतर है चाय। गाइस ये मैंने अभी खुद से नहीं बनाया, मैंने यहीं पर पढ़ा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा दिल से। तो इस चाय को टेस्ट करते हैं, और भाई शायरी वाली चाय, तंदूरी चाय, क्या इस चाय को कहें, तो टेस्ट करते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं इसका। गाइस रियली मैं बताऊं आपको, चाय का टेस्ट ना काफ़ी बढ़िया है, जैसे भैया ने बताया था काफ़ी जो मसाले वगैरह यूज़ करते हैं ना। और दोस्तों चाय तो एक बहाना है, मैं आपको बताऊं, इस हाईवे पे आप ये जो हाईवे देख रहे हो, इस हाईवे पे अगर ऐसी चाय मिल जाए ना जो कि मिलती है मिस्टर चाय वाले पे, तो भाई साहब आपको मज़ा आ जाएगा जर्नी का। अगर आप दिल्ली से कहीं पर भी जा रहे हो ना तो चाय ज़रूर पी के जाना, नियर बाय पड़ते हैं गरम धर्म के, आप कभी भी मूर्थला आते हो गरम धर्म के जस्ट बिल्कुल बगल में पड़ता है। तो गाइज आपसे उम्मीद करेंगे आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे ऐसी अच्छी सी नई वीडियो में, तब तक के लिए